मैं सुभाष अग्रवाल, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, इसको लोग कैट बोलते हैं, उसका नेशनल वाइस चेयरमैन हूँ। मेरे बगल में बिजमोहन जी अग्रवाल, ये नेशनल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। कैट दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है व्यापारियों की, इसमें 40,000 एसोसिएशन हैं और 8 करोड़ मेंबर हैं। इससे बड़ी संस्था दुनिया में कोई नहीं है। GST 5 साल पहले लागू हुआ था, तब ये बताया गया था ये बहुत सिंपल टैक्स प्रणाली है, आप रिटर्न भर दो, छोटा सा एक पन्ने का आपका टैक्स कितना होगा वो बता दिया जाएगा, टैक्स भर दो और आप सो जाओ, कुछ नहीं करना है। लेकिन इन सालों में करीब 1100 अमेंडमेंट हो गए हैं, रिटर्न इतनी लंबी हो गई है कि इसको हम तो क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट भी भर नहीं पा रहे हैं, इतना जटिल हो गया है। हर बार मीटिंग होती है, टैक्स बढ़ा दिया जाता है, नई आइटम दायरे में लाई जाती है, फूड ग्रेन्स वगैरह गरीब आदमियों की चीज़ है, इसको इन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है 18 तारीख से सारे प्री पैक्ड फूड ब्रांडेड पर टैक्स था जो बड़ी कंपनियां बनाती हैं, अब गरीब लोग जो बनाते हैं छोटी पैकिंग करते हैं उस पर टैक्स लागू कर देंगे, जिससे कि ब्रांडेड लोगों को फ़ायदा हो और गरीब जनता मर जाए। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी कर रही है। और सर, इस संगठन में आपके साथ अब कितने लोग जुड़े हुए, कितने व्यापारी जो इस संगठन में 8 करोड़ व्यापारी जुड़े हुए हैं। 800 व्यापारी, तो आज जो ये आज GST जब आपके कोविड आया तब तो आह्वान किया गया व्यापारियों का कि तुम बचाओ नहीं तो लोग भूखे मर जाएंगे। हम लोग ने अपनी जान पर खेल कर लोगों को खाना खिलाया, खाद्य सामग्री पहुँचाई लोगों तक, तब तो हम लोग की बहुत बढ़ाई की गई। जब पैकेज आया हेल्प का, 10 करोड़ का पैकेज निकाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 किस्तों में, उसमें हम लोग का नाम कहीं नहीं आया। पहले की स्थाई हम लोग समझा चलो दूसरी किसी कुछ मिलेगा, MSME को, SME को, आपके फार्मर्स को, सबको हेल्प किया गया, हम लोग के लिए कोई एक पैसा नहीं निकला। चलिए ठीक है, उनकी इच्छा है, फार्मर तो उनकी वोट बैंक है, वो सड़क जाम करते हैं 4-4 महीना 5-5 महीना, तब तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता और नेता भी कुछ नहीं कर सकते। हम लोग तो सड़क जाम नहीं करेंगे, हम लोग सभ्य आदमी हैं, तो हम लोग कुछ मिलेगा नहीं। अब हम लोगों को भी आंदोलन पर निकलना होगा। इन्होंने जो रिसेंटली कानून लाया है कि सारे प्री पैक फूड आइटम्स पर, नॉन ब्रांडेड पर टैक्स लगाएंगे लोग, इसका पूरे इंडिया में विरोध होगा। सरकार मानेगी तो ठीक है, नहीं हम भी संगठित होके हम लोग भी सरकार को उठाने की क्षमता रखते हैं। हम लोग इसका आंदोलन करेंगे, दरकारों का भारत बंद करेंगे, सब कुछ करेंगे, इस टैक्स को वापस लेना ही पड़ेगा इन लोगों को। तो ये प्रोटेस्ट जो है सर, ये देश भर में हो रहा है या फिर अभी देशव्यापी हो रहा है, हर स्टेट में, हर जिले में हो रहा है। लाखों चिट्ठियां जा चुकी हैं फाइनेंस मिनिस्टर के पास में, हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। बाकी मेरे बिजवान जी साहब हैं, ये बोलेंगे। मैं बिजवान अग्रवाल, नेशनल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल ट्रेडर्स। आज ये पूरे बंगाल की जो मीटिंग हो रही है यहाँ पर पुस्ता बाजार एसोसिएशन के साथ में, उसमें मैं राष्ट्रीय टीम की तरफ से शामिल होने के लिए आया हूँ। और ये आंदोलन जो चल रहा है, ये जो 5% GST जो सरकार ने अभी लगाई है अनब्रांडेड फूड पे, उसी को लेके पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है और हमारे सारे राष्ट्रीय नेता अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। उसी कड़ी में मैं भी आज यहाँ पर पश्चिम बंगाल आया हूँ। और बेसिकली हमारा सरकार से ये कहना, सरकार ने जिस टाइम पर GST आया, सरकार ने यही कहा था कि रोटी कपड़ा और मकान हमारी प्राथमिकता है और हम अनाज वगैरह पे तो कभी किसी प्रकार का टैक्स लगाएंगे ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे करके ये शिकंजा कसता जा रहा है और पूरे देश भर में, चाहे वो सारे राज्य हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, सारे को, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि सरकारों का उद्देश्य अभी टैक्स इकट्ठा करना ही रह गया है। कैसे कैसे लोगों से टैक्स लिया जा सकता है, सरकारें शायद या उनके ब्यूरोक्रेट्स यही सोचते हैं कि कैसे कैसे टैक्स लिया जाए। और ये जो अनब्रांडेड पे टैक्स लेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे छोटे छोटे इंडस्ट्रियाँ हैं, छोटे छोटे लोग जो सामान पैक करके बेचते हैं, वो सारे उस नेट में आ जाएंगे और कोई भी अपना व्यापार ये बड़े लोगों के साथ कर नहीं पाएंगे। तो यही शुरू से रहा था कि ब्रांडेड पे लगा, तब भी हमने विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि देश के सिर्फ 15% लोग ही ब्रांडेड सामान खरीदते, बाकी 85% आम जनता जो है वो अनब्रांडेड सामान ही बाजारों से अपने यहाँ जो पैक होकर मिलता है। और उस पर आज लाखों की संख्या में इंडस्ट्री है, लाखों की संख्या में छोटे छोटे व्यापारी हैं। अब सोचिए आप, जो आदमी 50 लाख 1 करोड़ का व्यापार करता है, किराना में कितना प्रॉफिट है सबको मालूम है, 5-7 लाख रुपया कमाने वाला आदमी
आज जीएसटी के नेट में आके कहाँ से रजिस्ट्रेशन करेगा, कहाँ क्या काम करेगा, तो ये डेफिनेटली हमारे जो जनरल जो छोटे व्यापारी हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ हैं जो कि अपना माल बनाती हैं, उनको भारी दिक्कत आने वाली है और वो व्यापार ही नहीं कर पाएंगे, व्यापार से इलिमिनेट हो जाएंगे। तो सर आपकी प्राथमिक मांग क्या है सरकार? हमारी प्राथमिक मांग यह है कि जो ये जो अनब्रांडेड पे सरकार आगामी 18 तारीख से जैसे हमको सुनने में आ रहा है लगाने जा रही है जीएसटी, हम चाह रहे हैं कि सरकार इस पे इस प्रस्ताव को वापिस ले, और नहीं तो हमने तय कर लिया है सरकार वापस नहीं लेती। हम हर जगह, आज हम बंगाल में भी घोषणा करेंगे, हम पूरे देश भर में एक संघर्ष समिति बना रहे हैं जो कि अलग अलग राज्यों में काम करेगी, और हम इसके लिए जहां तक जाना होगा जाएंगे, दरकार पड़ने से हम पूरा भारत बंद करने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। इस तरह से मनमानी यदि होती रहेगी तो व्यापारी व्यापार नहीं कर पाएगा।